उसी से बोलने स्टार्टिंग है और 4,20,000 कलर हो जाते कलर होगी ना ऐसे और खूबसूरती है ना बगैर नकेल की आती है माल में। किराया अगले साल का है भाई, इस साल बहुत ही इसका इनको टीके वीके तो नहीं लगा रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर कह रहे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई एक दफ़ा फिर से वापसी हो गई, इसी कॉलोनी का 4th एपिसोड है और आप लोगों को भाई इंशाल्लाह यकीनन पसंद आ रहा होगा माल। और ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर बहुत कम शौकीन आते हैं और ये जगह आपके भाई ने रिवील कर दी है और आप लोग को अभी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि फार्मर लेवल का माल है, सारा फार्मर कैटेगरी माल है। इनसे आके इनका बकौल कहना है कि हसन भाई का कि फार्मर आके हमसे माल परचेज करता है। तो भाई दिखा देता हूँ आपको, पीछे दिखते रहोगा माल क्या कैटेगरी का और माशाल्लाह इनसे मालूम करते हैं क्या यहीं पालते हैं, क्या करते हैं, परचेज करके ला रहे हैं, लोगों को कहीं बना तो नहीं रहे। आ जाए भाई हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये है भाई हसन भाई और इनके देख के भाई नहीं जाइएगा, माशाल्लाह कलफ का सूट पहन रहे, वाइट कलर का सेट है, सेट ही यही है। हसन भाई क्या हाल है भाई, माशाल्लाह कब से शौक कर रहे हैं आप यहाँ पर? ये तकरीबन 3-4 साल हो गया, 3-4 साल हो गया है भाई, किसी को पता ही नहीं है यहाँ पर। को यहाँ पर आती है पब्लिक या इतनी नहीं आती? ये रमजानों में पब्लिक शुरू हो जाती है, ईद के एंड तक, लेकिन वो एक पब्लिक का रुझान नहीं होता, वो जो एक मंडी वाली वाइब है अभी से शुरू होता है भाई। यहाँ पर बोल रहे हैं पब्लिक का थोड़ा रुझान हो गया है, वरना 3-4 साल से शौक कर रहे हैं माशाल्लाह। तो यहीं पालते हो माल या खरीद के लाते हो? ये जैसा बड़ा गुजर जाता है, कुर्बानी गुजर जाता है तो हम जाते हैं मंडी में पंजाब शेफान से, फिर माल उठा के छोटे छोटे बच्चे उठा के तो 2-1.5 साल भाई। एक वही वाला इनका प्रोसेस है, फार्मर वाला प्रोसेस है कि सीजन के बाद पंजाब जाते हैं, वहीं से बच्चे परचेज करते हैं और उसको पूरी साल मेहनत करते हैं, अपने दिलो जान से पालते हैं, तो इंशाल्लाह फिर ये चीज़ माल बनती है। तो कितना खर्चा आ जाएगा एक माल पे? अगर जैसे इस फर्ज करो हम ये माल ले लेते हैं, ज़रा पांडा बच्चा, ये मेरे ख्याल से आए थे आपके बाड़े का सबसे खूबसूरत बछड़ा है जी, पांडे फेज में बछड़ा है, और इसके ज़रा फेज कट दिखाना मुझे, ज़रा इसको लो, इसका फेस कट लो, इधर आओ हसन भाई। तो हसन भाई अगर ऐसा जानवर तैयार करने में एक साल में कितना खर्चा आ जाए? साल की पलाई है, 2 साल की पलाई है? ये इसको 2 साल अभी, 1 साल पूरा हो गया, 1 साल और पलेगा। अच्छा, ये इस साल का भी नहीं, अगले साल जाएगा? अगले साल। दांतों में क्या है? दांतों में अभी कच्चा खीरा है भाई, दांतों में अभी कच्चा खीरा है, ये देख सकते हो आप लोग। तो फिर ये होगी कई फार्मर कैटेगरी की चीज़ है, तो आप लोग मानते हो और हसन भाई के बकौल ये अगले साल पे जाएगा। अभी अगर हसन भाई ये वीडियो के थ्रू कोई आता है लेने तो अभी दोगे या रोकोगे इसको? नहीं, जो कस्टमर आता है जिसको पसंद आता है तो कदर, अगर वो माल की कदर करेगा तो आप उसको खुला दे दोगे भाई। जो बात है, अगर इस माल की कदर करने वाला ही आना चाहिए, अब ये नहीं आया यार जिसकी जगह 3-4 लाख रेंज है वो अपने हिसाब से फिर माल देखे। यहाँ पर वो 3-4 लाख भी माल है और ये है सारा थोड़ा सा एक फार्मर कैटेगरी का माल। तो अब आप आके इस पर जिद बहस करेंगे वो अच्छी बात नहीं है, तो जो माल की कदर करेगा, शौकीन होगा, वो इंशाल्लाह इसको समझ के ले जाएगा। तो हसन भाई अगर फर्ज करें इसकी क्या डिमांड रखी हुई होगी आपने? इसकी डिमांड मैंने रखी हुई 20 लाख रुपये भाई, 20 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। डिमांड देखें, हर किसी का एक अपना तरीका होता है कस्टमर से डीलिंग करने का, अभी इन्होंने 20 लाख डिमांड कर रहे हैं। अब आप सुन के बोलेंगे यार 20 लाख डिमांड कर रहे हैं, हम जाने का फायदा? भाई जो शौकीन होगा ना माल की कदर करेगा तो वो इंशाल्लाह आएगा ज़रूर। और ये कोई फाइनल तो पैसे नहीं है? ये दाम भाई, ये फाइनल पैसा नहीं है। चलें ज़रा आ गया है, ज़रा और इनका माल दिखाते हैं, फाइनल पैसा नहीं है। और ये बोल रहे हैं इंशाल्लाह इसके थ्रू जो भी आएगा मेरे थ्रू इंशाल्लाह मेरा नाम लेगा तो काफ़ी डिस्काउंट देंगे उसको, और शौकीन आए तो ज़्यादा बेहतर है। कुर्बानी वाला माल भी आपके पास अभी जैसे नॉर्मल छोटी जो नॉर्मल है बचिया है, दो दिखाओ जरा चारों तरफ, ये अभी 2 दांत हुए सब, ये सारा 2 दांत का माल है बच्चिया। अगर इसके अंदर एक मुझे सरसरी मुई थोड़े से सरसरी तौर पे बता दें क्योंकि अंधेरा होने वाला है, थोड़ा जल्दी करेंगे हम। ये इसमें कहाँ से स्टार्टिंग प्राइस और कहाँ से कहाँ तक? इसका 2.80 से स्टार्टिंग है, सही है, और 4.20 तक है भाई। 2.80 से स्टार्टिंग प्राइस फाइनल है या थोड़ी इसमें फाइनल है, कमी पेशी नहीं होगी? कमी पेशी का जो गिराक आ जाएगा तो हो जाएगा भाई, ऐसा ये कि फाइनल रेट कोई नहीं होता, आपको इंशाल्लाह जो डील करेगा उसमें आप लोगों को कमी पेशी लाजमी मिलेगी। 2.80 बोलने जैसे मेरे हिसाब से अगर ये ज़्यादा 2.50-2.60 में बन जाएगा इंशाल्लाह, उससे नीचे भी बन जाए तो आप लोग के पास तकरीबन 30 से 33 बड़े मछली दे दो, वो मैंने लास्ट टाइम आके देखे थे, मतलब इन्होंने बताया आई थिंक स्टार केटल को दिए थे जी, स्टार केटल उन्होंने धूम केटल वाले, तो इंशाल्लाह एक दो माल आपका बड़ा खोल के दिखाते हैं जी, जो सबसे अच्छा माल होगा इंशाल्लाह वो आपको खोल के दिखाते हैं। सही है भाई, रोक दे भी चलो सामने से लेके आओ भाई। मैंने हसन भाई के यहाँ का कोई आपने कैटल का नाम रखा हुआ अपने फार्म? कैटल का नाम है ZM ZM कैटल फार्म है हसन भाई का, और मैंने यहाँ पर सबसे हसीन बछड़ा खुलवा लिया इनका,
जो कि एक फार्मर कैटेगरी का शौकीन के मतलब की चीज़ है वो। होए 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 क्या ही बात है यार माशाल्लाह। पर रोको रोको, बच्चे का फेस चेक करो यार, पंच फेस में बच्चा है, नस्ल देखो भरपूर नाफा जाला रे। अच्छा ये भी कच्चा खीरा है हसन भाई, क्या बड़ा शौक कराना चाह रहे हो शौकीनों को? ये चेक करो यार सलवटे है, 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 है। ये चीज़ दिखा दी, दिल आ जाता हसन भाई इस पे मेरा तो, ये जो सलवटे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर टोर कराओ इसका आगे आके लेके जाओ, क्या बात है भाई। हसन भाई ये फिर ये शौकीनों के लिए या अपने शौक करोगे इस पे? ये शौकीनों के लिए भी, अपने शौक के लिए भी भाई, जो आए जैसा शौकीन आए इंशाल्लाह उसको देंगे। हसन भाई के वालिद साहब भी, उनका भी जी जी, उनको भी दिखाते हैं अभी जमान भाई को। जरा इसको आगे करो उस्ताद, माशाल्लाह बच्चे की नाफा झाला, नस्ल चेक करो यार भरपूर नस्ल में माशाल्लाह, क्या बात है यार, क्या ही बात है। अभी कच्चा खीरा तकरीबन 20 से 21 महीने का होगा सर, मैं ऐसा ही है ना, बस लंबा करो थोड़ा बच्चों को ऐसे, बस 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 ऐसे रुको। क्या ही बात है यार माशाल्लाह, पाक की शान है। हसन भाई इसकी क्या डिमांड रखी हुई? इसकी डिमांड है 15 लाख। इसकी 15 लाख रुपये डिमांड रखी हुई है, डिमांड रखी हुई है, फाइनल कोई पैसे नहीं होते, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, डिमांड रखी हुई है 15 लाख रुपये। और ये माशाल्लाह भाई चीज़ है यार, जो बात है चीज़ है। थोड़ा सा मैं इसको पूरा फ्रेम में लेता हूँ और फिर आप लोग को दिखाता हूँ। क्या इसका फेस ऊपर करो, ये चेक करो यार आइज का, देखो लुक वाइट पलकों में है और माशाल्लाह नस्ल का भरपूर है। तो हसन भाई अगर कोई आता है इसके कुछ पैसे लगाए, अगर स्टार्टिंग एक मेरे आईडी से 8 भी लगाए तो उसकी कदर होगी या उसको बोलेंगे भाई चले जाओ यहाँ से? कदर होगी ना ऐसा ही है हसन भाई। भाई इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बैठे हुए शौकीनों के लिए, बहरहाल इस बच्चे को बनवाओ और एक दो बच्चा और इंशाल्लाह खुलवाता हूँ जो मेरी फेवरेट हो। ये वाला खुलवाऊंगा अभी मैं गुलाबी, क्योंकि बहुत हसीन बच्चा, और एक वो गुलाबी चेक करो यार, वो काला गुलाब का भी लो, काला कौन सा, वो पांडा, हाँ पांडे का भी लेते हैं। और ये बच्चा मैंने बनवा दिया, मैं इंशाल्लाह एक दो बच्चों को और शौक कराऊँ क्योंकि अंधेरा होने आना है। भाई जब तक उसको बछड़े को साफ सफाई में लगे हुए, और मैंने एक ये बछड़ियों की स्लॉट दी जो कि एक नॉर्मल जो मिड रेंज वाले कुर्बानी वाले हजरात होते हैं ना उनके लिए भी माल मौजूद है, और एक बड़े शौकीनों के लिए भी माल मौजूद, दोनों कैटेगरी का माल रखा हुआ है। 280 से बोलने स्टार्टिंग है और 4,20,000 रुपये तक इनकी बछड़ियों की रेंज है। तो आगे भी लगी हुई है भाई स्लॉट, काफ़ी बछड़ियाँ इनके पास, और ये नहीं है कि 280 फाइनल है, 280 में भी भाई कमी पेशी होगी, बाकी जैसे आप लोग बार्गेनिंग करेंगे वैसे उसके ऊपर सौदा बनेगा। ये बछड़ी देखो, ये मेरे हिसाब से हसन भाई इसकी क्या डिमांड रखी हुई होगी बछड़ी की? साढ़े चार लाख रुपये डिमांड रखी हुई है। दांतों में भाई ताज़ा 2 बता रहे हैं और 4.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। बछड़ी का बनाओ वजूद के हिसाब से मेरे हिसाब से मुनासिब डिमांड है। अब ये नहीं बोलिएगा कि मैं इधर आके अगर डिमांड मुनासिब करो, कहीं आप लोगों को कैमरे में छोटी लग रही हो, लेकिन बछड़ी वज़न की बात करें तो हसन भाई क्या वज़न होगा इसका? साढ़े सात से आठ मन मीट वेट बता रहे ना? हाँ। मीट वेट बता रहे हैं भाई 7.5 से 8 मन। आप लोग को वीडियो में बता रहा हूँ, अगर वो माल नज़र नहीं आता जो लाइव देख रहे हो, आके इंशाल्लाह देखो। जगह ये कौन सी है? जगह ये आप गबोल टाउन आई थिंक, अलासिब से आगे आओगे ना तो क्वेटा टाउन आएगा, क्वेटा टाउन से आगे आओगे तो गबोल गोड के नाम से मशहूर है। तो ये अंदर थोड़ा सा रास्ता आ रहा है झाड़ियों के यहाँ से, कोई भी पूछेगा तो इंशाल्लाह जगह बताई जाएगी। तो भाई ये बता रहे हैं भाई 4.5 डिमांड करी हुई। अगर हसन भाई कोई शौकीन आता है इस बछड़ी के, 3-40 लगाए तो क्या कहते हो? नहीं ये आई थिंक बिल्कुल, एक अपने आखिरी डॉट बता दो इतनी की देनी है मुझे, कदर करके 4 पे फिक्स दे देंगे। अगर कोई 10-20 की और लचक हो कर देंगे इंशाल्लाह। लो भाई शौकीनों एक और आप लोगों के लिए बछड़ी निकाल दी है मैंने, जो कि बोलने अगर 10-20 की और कमी पेशी हो तो वो भी हो जाएगी 3 लाख, यानी 70-75-80 जैसे बने, 3.5 में बने, मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा है। हसन भाई को आओ लूट लो वाला टाइम है ये, मैं बता रहा हूँ इधर आ जाओ, अभी तक शौकीन इतने आए नहीं है और लूटने वाला टाइम है। हसन भाई अकेले खड़े में ले जाओ हसन भाई से माल भाई। तो भाई अभी मैंने फेवरेट बछड़ा खुलवा लिया है और ज़रा इसका शौक करवाता हूँ मैं आपको। चलो चलो भाई माशाल्लाह क्या बात है यार, सावा थोड़ा अलग शेड आ रहा है इसके ऊपर सावे प्रिंट में, और इसकी ज़रा गुलाबी नोज़ में, ज़रा इसके नाक दिखाओ, नाक दिखाओ माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। अच्छा बगैर नकेल के क्यों आपके पास सारा माल? हमारे पास जितने भी माल है सब बगैर नकेल का है। क्या बात है भाई, ये नकेल डालते हैं उससे काबू होता है लेकिन मज़ा नहीं आता है, बाकी माल की जो खूबसूरती है बगैर नकेल की आती है भाई। ये असली और नस्ली शौकीन वाली बात कर दी इन्होंने कि जो खूबसूरती है ना बगैर नकेल की आती है माल में। ज़रा काबू कर ले इसको उस्ताद, फिर मैं इसको शुरू शौक करा दूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ऐसे ही ला सामने ला, क्या बात है माशाल्लाह। बस सही रोको,
माशाल्लाह भाई क्या बात है यार, बहुत ही हसीन बछड़ा है, बड़ा चुलबुल है। और इसकी भी ज़रा एक डिमांड पूछ लेते हैं, फिर वीडियो को थोड़ा एंड करेंगे। क्या ही बात है यार माशाल्लाह बच्चे की। ज़रा इसको यूँ खड़ा करो, लंबा इधर मुँह करो इसका, ये चेक करो ये बना हुआ है। असन भाई आई थिंक ये दांतों में होगा, दांतों में नहीं है ये भी, दांतों में नहीं है क्या बोल रहे सारा ये माशाल्लाह। अच्छा खीरा माल है सारा, खीरा माल है। भाई सारा लो भाई शौकीनों, ये अगले साल वाली कैटेगरी मौजूद है और एक से बढ़ के एक कैटेगरी है। और इसको बांध दो, इसको बांध दो भाई, सारी एक से बढ़ के एक कैटेगरी है। इस वजूद में 8-8, 9-9, 10-10 मन के बछड़े हैं और सारे भाई हसन भाई के बकौल खीरा माल है। और ये अगले साल वाले शौकीन आए मैं तो बोल रहा हूँ, और यहाँ से इंशाल्लाह अपने शौक का माल ले जाए। ये देखो यार सबसे फेवरेट बछड़ा एक और पांडे प्रिंट में, ये भी खीरा है अगले साल का है भाई। इस साल बहुत ही इसका चांस ही नहीं है जो कि इस साल बन जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह 8-8, 9-9 मन पे खड़े हुए बच्चे और कच्चे खीरे वजूद में है भाई, ये चेक करो। और वंडे की बात करते हैं इनसे, क्या वंडा दे रहे हैं जो इस वजूद में माशाल्लाह कच्चे खीरे खड़े हुए। तो हसन भाई क्या वंडा खिला रहे हो जो कच्चे खीरे अभी तक खड़े हुए बच्चे? ये छोटे बच्चे, कोई इनको टीके वीके तो नहीं लगा रहे? फिर क्या कर रहे हो? देसी वंडा खिलाते हैं। क्या बात है यार, ऑर्गेनिक फीड पे पल रहे भाई माशाल्लाह हसन भाई के बकौल। क्या दे रहे हो एक शौकीनों का आइडिया बता दो, कोई राज है क्या है? उसको गंदम देते, रोटी देते और चने की दाल देते, उसको टुकड़ी करके दाल देते, कल्ली देते इसको बस ये। क्या बात है भाई, ये एक हसन भाई ऐसे शौकीन है जो कि माशाल्लाह इस वजूद पे खड़े हैं। माल इनका ये चेक करो खूबसूरती, इन्होंने अपनी वो भी बता दी क्या खिलाता हूँ, कोई सीक्रेट नहीं है भाई, दिल से पालते हैं बस। ये बोल रहे खुला वंडा आपके सामने, अभी देखें पेट भरा हुआ है और वंडा पड़ा हुआ है, ये होना चाहिए कि वंडा गायब और जबान मार रहा हो खुली पे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जब माल पलता है भाई माशाल्लाह से, तो एक ऑल ओवर दिखा देता हूँ हसन भाई के बाड़े का, फिर इंशाल्लाह वीडियो को एंड करते हैं। सही है हसन भाई, फिर इजाज़त दें इंशाल्लाह, कोई भी शौकी ना आए उसकी कदर करनी है आपको भाई। अगर आप मेरा कोई रेफरेंस आएगा तो इंशाल्लाह हसन भाई लाजमी कवर करेंगे, रेफरेंस आएगा तो 10-20 हज़ार और भी कम। क्या बात है, ये वही ना हसन भाई। तो मिलते हैं जरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, भाई को इजाज़त दें।